महज 20 साल की उम्र में नैन्सी की शादी तो हो गई थी, मगर बचपना उसका अभी तक गया नहीं था। शादी के बाद भी किसी कॉलेज की लड़की की तरह उसका हुक्का बार जाना, डिस्को जाना और दोस्तों के साथ मस्ती करने का सिलसिला जारी था। कुल मिलाकर नैन्सी एक आजाद ख्याल लड़की थी, इसीलिए शादी के बाद भी वो उसी तरह जीना चाहती थी जैसे शादी के पहले जीती थी। मगर पति साहिल बदल चुका था। उसे नैन्सी का दोस्तों से देर तक बातें करना, नाचना गाना, हर वक्त मस्ती करना अब बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। जबकि हकीकत यही थी कि नैन्सी की इस आजाद ख्याली से ही प्रभावित होकर उसने उससे शादी की थी। मगर अब यही आजाद ख्याली दोनों के रिश्तों में खटास की वजह बन गई। लंबे वक्त तक एक साथ रहने के बाद इसी साल की शुरुआत में दोनों ने शादी की थी। पहली बार जब साहिल और नैन्सी में प्यार हुआ तब नैन्सी नाबालिग थी, लिहाजा 3 साल तक साहिल और नैन्सी सुभाष नगर में लिव इन में रहते रहे। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। हालांकि घर वालों ने इस शादी को अपना तो लिया और 7 मार्च को गुरुद्वारे में दोबारा रीति रिवाज के साथ शादी, लेकिन ये शादी दोनों को ज्यादा फली नहीं और लव मैरिज करने के बाद भी इन दोनों के बीच महज 8 महीने में ही लव काफूर हो गया और आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। दरअसल साहिल को शक था कि नैन्सी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पता लगा ये क्लब में डांसर थी लड़की, हमने तब भी रखा, लड़की मुजरा करती थी, हमने तब भी रखा, हमने इतने सारे वीडियोस के, हमने तब भी रखा, कभी नहीं बोला बच्चों को। अभी ये काम बच्चे को इतना डिप्रेशन में डाल दिया था, रोज ड्रग्स लेनी है 18-18, 15-15 हजार में क्लबों में बच्चा परेशान कर दिया था उसने बच्चे को परेशान कर दिया था। साहिल ने तय किया कि अब वो नैन्सी के साथ एक लम्हा भी नहीं रहेगा, मगर नैन्सी अलग होने के लिए राजी नहीं थी। इसी बात को लेकर 10 नवंबर को भी दोनों के बीच जमकर बहस हुई और तब साहिल ने नैन्सी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया और 10 नवंबर की रात ही उसने मन ही मन नैन्सी के मर्डर की साजिश रच डाली और 11 नवंबर की सुबह होते ही वो इस प्लान को अंजाम देने में जुट गया। और रात होते होते साहिल ने अपने इस प्लान को अंजाम देते हुए नैन्सी को मार भी डाला। ग्यारह नवंबर से नैन्सी शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता थी। पहले कुछ दिनों तक तो उसके घर वालों को लगा कि नैन्सी कहीं चली गई है, लेकिन जब हर गुजरते दिन के साथ नैन्सी तक पहुंचना मुश्किल होने लगा तो उसके मायके वालों को शक होने लगा। असल में नैन्सी का मोबाइल फोन भी उसकी गुमशुदगी के दूसरे ही दिन यानी 11 नवंबर से हैरानी भरे तरीके से स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में लाख कोशिश के बावजूद उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। और तब 25 नवंबर को नैन्सी के पिता ने जनकपुरी थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। चूंकि नैन्सी अपने पति साहिल के साथ ही रहती थी, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले साहिल से ही पूछताछ की और तब साहिल ने वो स्क्रिप्ट सुनाई जो उसने नैन्सी का कत्ल करने के बाद होटल में तैयार की थी। उसने बताया कि 11 नवंबर को दिल्ली की एक ट्रैफिक लाइट पर नैन्सी अभी आती हूं कहकर उतरी और गायब हो गई। जाहिर है ये कहानी किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरती। पुलिस ने सख्ती की तो साहिल ने सारा राज खोल दिया। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।